ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, इतनी देर से आप सब लोग आए हुए हैं, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल। दोस्तों हम सब लोग जितने यहाँ स्टेज पे बैठे हैं हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत आम आदमी है। एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे थे ये जर्नैल सिंह, अपनी पत्रकारिता कर रहा था, भगवंत मान लोगों को हंसा हंसा के अपना घर चलाता था, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। यहाँ पे स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं बहुत आम लोग हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े, आप ही जैसे हैं, आप ही की तरह आप में से ही एक है। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि इन सारी पार्टियों ने मिलकर देश को लूट लिया, बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने, अकाली दल ने, अन्ना हजारे जी के साथ हम लोगों ने आंदोलन करा, जब ये पार्टियां नहीं मानी तो इस देश के आम आदमी को खड़ा होना पड़ा, इस देश के आम आदमी को खड़ा होकर तब हमने पार्टी बनाई। आज हम आपके सामने खड़े हैं, अगर ये अकाली दल वाले ईमानदारी से काम कर लेते, बादल ईमानदारी से काम कर लेते, कैप्टन ईमानदारी से काम कर लेते, हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, हम भी अपने घर में अपना काम बंदा कर रहे थे, खुश थे हम लोग। लेकिन हमें इसलिए करना पड़ा, इन सारी पार्टियों ने मिलकर और ये सारी पार्टियां रली मिली हुई हैं, पिछले 15 साल से पंजाब को कैप्टन और बादल मिलकर लूट रहे हैं। इन्होंने दोनों ने सेटिंग कर रखी है, एक बार तुम आओ एक बार हम आएंगे, एक बार तुम आओ एक बार हम आएंगे, एक बार तुम्हारी बारी एक बार हमारी बारी, तुम भी लूटो हम भी लूटेंगे, जब हमारी सरकार बनेगी हम तुम्हारी जांच नहीं कराएंगे, जब तुम्हारी सरकार बने तुम हमारी जांच मत कराना, और दोनों मिलकर जनता को लूटेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे। 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने, 2005 में कैप्टन साहब के परिवार के लोगों ने स्विस बैंकों में खाते खोल लिए। स्विस बैंकों में खाते कौन खोलता है? जिसके पास काला धन होता है, या जिस जिसका ये स्विस बैंक में खाते हैं जरा हाथ खड़े करो, किसी के लिए हमारे पास तो यहां भी खाते खोलने के पैसे नहीं है, इन्होंने तो स्विस बैंकों में खाते खोल रहे। कैप्टन साहब के कैप्टन साहब की बीवी ने, कैप्टन साहब के बेटे ने, उन्होंने कई कंपनियां बनाई और 2005 में उन्होंने स्विस बैंक में खाते खोल लिए। मैं कल 3-4 लोगों से बात कर रहा था, मैंने उनको दिखाए कागज, लाया हूं आज आपको दिखाने के लिए, मैंने उनको बताया, मैंने कहा कैप्टन साहब के स्विस बैंक में खाते हैं, बोले जी राजा महाराज हैं, उनके पास बड़ा पैसा है, होंगे उनके स्विस बैंकों में खाते। तो वहीं दूसरा आदमी बैठा था पंजाब का, उसको बड़ी नॉलेज थी, बोला जी कैप्टन साहब फक्कड़ हो गए थे 2002 में, 2002 के चुनाव में कैप्टन साहब के पास अपने घर की पुताई करने के पैसे नहीं बचे थे, दिवाला निकल गया था कैप्टन साहब का 2002 के चुनाव के पहले, कुछ भी पैसा उनकी कुर्की होने वाली थी कैप्टन साहब की। 2002 में मुख्यमंत्री बनने के पहले कैप्टन साहब का दिवाला निकल गया था, और मुख्यमंत्री बनने के 3 साल के अंदर उनके परिवार वालों ने स्विस बैंकों में खाते खोल लिए। ये पैसा कहां से आया भाई साहब? ये पैसा आपका था, पंजाब की जनता का पैसा था।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਢੁੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।